रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं बेल आइकन और बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो पहला यंत्र दोस्तों हमारा है अल्टीमीटर। इस अल्टीमीटर में दोस्तों अल्टी को आपको याद रखना है, और ये अल्टी से बनता है अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, यानी विमानों की ऊंचाई मापने में, जो उड़ते हुए विमान है उनकी ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अमीटर, और अमीटर में दोस्तों आपको एम ई को याद रखना है, क्योंकि एम ई से एम्पियर याद रखेंगे, और एम्पियर जो दोस्तों है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, और विद्युत धारा को मापने में इसलिए एमीटर। तो दोस्तों जो आपका तीसरा है वो है एनीमोमीटर। एनीमो में दोस्तों आप जो यहाँ पर एनीमो है इसको याद रखिए, क्योंकि ये एनीमो जहां पर भी आपको मिलेगा उसका मतलब होता है वायु से। किससे होता है दोस्तों? वायु से। एनीमो का हमेशा आपका जो अर्थ होगा वो एनीमो जहां पर दिख जाए आप समझ जाइए वो किस चीज से संबंधित है, वायु से संबंधित है। तो एनीमोमीटर का जो उपयोग होता है दोस्तों वायु की शक्ति, वेग या दिशा निर्धारण के लिए किया जाता है, यानी कि वायु की शक्ति नापने के लिए, वेग नापने के लिए और दिशा के निर्धारण में एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। फिर चौथा है दोस्तों सोनोमीटर। सोनोमीटर यहाँ पर सोनो से दोस्तों आपको याद रखना है, सोनो यानी सुनो, और हम क्या सुनते हैं? हम ध्वनि सुनते हैं दोस्तों। क्या सुनते हैं? तरंग या ध्वनि को सुनते हैं। तो सोनो से बन गया सुनो, और सुनते हैं किस चीज को? ध्वनि को। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति, अज्ञात आवृत्ति और वेग ज्ञात करने के लिए सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस चीज के लिए दोस्तों? सोनोमीटर ध्वनि तरंग का वेग या आवृत्ति, क्योंकि सोनो से बन गया सुनो। अगला है दोस्तों बैरोमीटर। ये काफी लोगों को पता होगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वायु दाब या वायुमंडलीय दाब मापने में। अब यहां से दोस्तों तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि द बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो अचानक से नीचे गिर जाए, क्या हो जाए? अचानक से नीचे गिर जाए तो किस चीज की संभावना होती है? जब अचानक से नीचे गिरता है दोस्तों, अचानक से नीचे तब संभावना होती है आंधी और तूफान की। किस चीज दोस्तों? आंधी व तूफान की संभावना होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से क्या हो जाए? नीचे गिर जाए। फिर दूसरी कंडीशन ऐसे बनती है दोस्तों, धीरे 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 नीचे गिरे, तो उसको बोलते हैं मौसम खराब होने वाला है। कैसा होने वाला है दोस्तों? मौसम खराब होने वाला है। फिर तीसरी कंडीशन दोस्तों जो बनती है वो बनती है कि जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़े, धीरे धीरे ऊपर चढ़े, जब ऊपर चढ़ेगा तो मौसम क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला है, मौसम साफ होने वाला है। तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब नापने में किया जाता है। इसकी तीन कंडीशन है, जब पाठ्यक्रम अचानक से नीचे गिरे तो आंधी या तूफान आने वाला है, धीरे धीरे ऊपर बढ़े तो मौसम साफ होने वाला है, और धीरे धीरे नीचे गिरे तो मौसम खराब होने वाला है। तो अगला देखते हैं दोस्तों बोलोमीटर। पढ़ सकते हैं बोलोमीटर, BOLOMETER, बोलोमीटर। तो दोस्तों बोलो से आपको याद रखना है, बोलो से रखना है बॉयल। क्या याद रखना है? बॉयल। बॉयल दोस्तों कब होती है कोई चीज? जब उसमें ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है, वो गर्म होती है, तब वो बॉयल होगी। तो बोलो से हुआ बॉयल, और बॉयल से बनी हीट। हीट से ही चीजें क्या होती है? बॉयल, यानी ऊष्मीय विकिरण, यानी हीट रेडिएशन, ऊष्मीय विकिरण को मापने में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये याद करने की इसकी ट्रिक है। फिर मैं बताता हूँ दोस्तों कैलिपर। तो कैलिपर आप सभी ने 10th में प्रैक्टिकल किए होंगे वर्नियर कैलिपर के द्वारा। तो कैलिपर का प्रयोग दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन ना अभी आपके अरबी ELT टेक्निशियन एग्जाम के बहुत सारे शिफ्ट के CBT 2 के पार्ट भी में पूछा गया है कि वर्नियर कैलिपर्स क्या नापता है। तो दोस्तों गोलाई नापता है। क्या नापता है? गोलाई नापता है, या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल व्यास यानी डायमीटर नापता है, यानी कोई गोल चीज है उस गोल चीज की गोलाई नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों आपका अगला है कैलोरी मीटर। अब दोस्तों कैलोरी से सभी जानते हैं, कैलोरी क्या है? ऊष्मा का मात्रक है दोस्तों। किस चीज का मात्रक है कैलोरी आपका? ये ऊष्मा का मात्रक है। क्या है? कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, इसलिए कैलोरी मीटर का प्रयोग ऊष्मा के मापने में किया जाता है, ऊष्मा मापने में। अच्छा दोस्तों कैलोरी का एक आपको कैलोरी से एक क्वेश्चन और बनता है, एक कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.18 जूल। क्या है दोस्तों? जूल और कैलोरी में संबंध है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल।
ये भी आपका फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसमें ये इसको 4.1 है, कहीं कहीं पर इसका यूज 4.2 जूल के रूप में भी किया जाता है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल या 4.18 जूल। ये सम में जैसा जरूरत पड़ती है वैसे न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है 8 अभी तक मैं आपको बता दिए। इसके बाद 9वां देखते हैं। दोस्तों 9वां जो आपका है यंत्र वो है कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ। ये दोनों मैंने साथ में क्यों लिखे हैं दोस्तों? क्योंकि जो कार्डियो है आपको केवल कार्डियो को ही याद करना है। कार्डियो का जो दोस्तों मतलब होता है वो आपके दिल से आपके हृदय से होता है। इसीलिए कार्डियोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है इसमें आपके हृदय का अध्ययन किया जाता है। तो कार्डियो दोस्तों यहाँ पर आ गया। कार्डियोग्राम की पहले अगर हम बात कर लें तो आपके हार्ट बीट से जो हृदय की गति जो स्पंदन है हार्ट बीट नापने के लिए कार्डियोग्राम का यूज किया जाता है। कार्डियोग्राम फिर दोस्तों जो हार्ट बीट हम नापेंगे जिनको मापेंगे उनको रिकॉर्ड बनाना है उनको दोस्तों इस प्रकार से आपका रिकॉर्ड जो बनता है इस प्रकार का ये जो रिकॉर्ड बनता है तो जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये बनता है ये प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं कार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्डियोग्राफ यानी ग्राफ पर आपने इसको ले लिया तो कार्डियोग्राफ हो गया जो हो गया हृदय गति को अभिलेख करने में और कार्डियोग्राम हो गया हृदय की गति मापने में। यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है ईसीजी। ईसीजी दोस्तों क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब भी आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप ईसीजी पहले कराएं क्योंकि ईसीजी के द्वारा ही वो आपको समझ पाता है कि आपके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। और इसीलिए दोस्तों जो आपका हार्ट स्पेशलिस्ट होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते दोस्तों? कार्डियोलॉजिस्ट। वही कार्डियो का सीधा मतलब आपके हृदय से होता है। फिर दोस्तों क्रायोमीटर। यहाँ पर भी दोस्तों जो क्रायो की अगर हम बात करेंगे तो क्रायो जो है क्रायो का मतलब होता है बहुत ही निम्न ताप यानी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर बहुत ही निम्न ताप दोस्तों। तो क्रायोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही कम ताप मापने में किया जाता है। लगभग ये आपका जान सकते हो तो आपका 1 केल्विन तक का ताप इससे मापा जा सकता है। तो क्रायोमीटर क्रायो के दोस्तों सीधे सीधा मतलब आप जानेंगे लो टेम्परेचर से। लो टेम्परेचर क्रायो जहां भी लग जाए समझ लीजिए यहाँ पर लो टेम्परेचर में कहीं ना कहीं बात हो रही है। फिर अगला 11th है दोस्तों इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रो से ही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रो यानी विद्युत या इलेक्ट्रॉन आवेश यानी विद्युत की बात हो रही है। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन या आवेश या विद्युत की बात हो रही है। स्कोप दोस्तों हमेशा दर्शी के लिए यूज होता है मतलब इससे हम किसी को देख सकें। क्या कर सकें? स्कोप कर सकें यानी देख सकें। जैसे टेलीस्कोप है माइक्रोस्कोप है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्कोप मतलब देखने वाला। तो जिससे सूक्ष्म जीवों को देख सकें वो माइक्रोस्कोप। इसी प्रकार टेली मतलब होता है दूर, स्कोप मतलब देखने वाला। दूर की चीजों को देख सकें वो टेलीस्कोप। तो इसी प्रकार दोस्तों इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन्स को देख सके यानी विद्युत आवेशों को हम देख सके यानी विद्युत प्रवाह को हम देख सके यानी कि किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक प्रवाह है विद्युत प्रवाह है या नहीं इसका पता हमें इस इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा चल जाता है। तो किसी भी चीज का पता लगाने के लिए अगर देखने की बात करें तो इसको वहां पर यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है, विद्युत प्रवाह का पता लगाना है, विद्युत आवेश का, तो इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करेंगे। उसका नाम हुआ विद्युत दर्शी। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं एंडोस्कोप। एंडोस्कोप में दोस्तों है अंतर्दर्शी। क्या है? अंतर्दर्शी। स्कोप फिर बात आ गई तो यानी कि आप यहाँ पर भी कुछ देख रहे हैं किसी चीज के बारे में जांच रहे हैं देख रहे हैं उसको माप नहीं रहे हैं देख रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एंडो एंडो है दोस्तों। एंडो से आप याद रखिए इसको अंदर बोल जैसे अंदर में हम एंडो बोलेंगे तो एंडो मतलब हमारे शरीर के अंदर। कहां पर? शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो शरीर के अंदर हम देखकर क्या करेंगे? अंगों की जांच भी तो करेंगे। तो शरीर के जो अंदर के अंग है उनकी जांच करने के लिए शरीर के भीतर अंगों की जांच करने के लिए एंडोस्कोप या अंतर्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रीटमेंट मतलब ऑपरेशन या कह सकते हैं जो आपका जांच होती है उसको बोलते हैं चेकअप को एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी मतलब अपने पेट का क्या कराओ एंडोस्कोपी करा लो तो उससे आपके पेट के अंदर की पूरी जांच हो जाएगी दोस्तों। और इसमें जो आपका
क्या किस तरीके से किया जाता है, तो जब मैं आपको समतल दर्पण वाली यूज की वीडियो बताऊंगा तब वहां आपको ये सारा चीजें बताऊंगा, और जब आपको लाइट पढ़ाऊंगा तो आपको ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज बताऊंगा, तब वहां पर सब चीजों के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों है 13 हाइड्रोमीटर। मीटर हमेशा क्या करेगा दोस्तों, लगा हुआ है तो यानी कि मापेगा कुछ, स्कोप लगा हुआ है तो यानी कि वो चीजों को देखेगा, जांच करेगा। तो दोस्तों हाइड्रो, हाइड्रो से हमें पता है हमेशा, हाइड्रो हाइड्रो हमेशा जल के लिए उपयोग किया जाता है, जल या द्रवों के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर हाइड्रोमीटर है तो दोस्तों हो गया ये घनत्व मापी, क्यों, क्योंकि द्रवों का क्या होता है, घनत्व होता है, द्रवों का घनत्व होता है, द्रवों के घनत्व को नापने के लिए घनत्व मापी या हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोमीटर और आपका ये हो जाता है हाइग्रोमीटर, क्या हाइड्रो और हाइग्रो, तो हाइड्रो यानी द्रवों से संबंधित, द्रवों का घनत्व मापने में किया जाता है। फिर आता है आपका हाइग्रोमीटर, तो ग्रो 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 जहां आ गया वहां पर दोस्तों घनत्व नहीं, वहां पर हो गया आर्द्रता, क्या हो गया ह्यूमिडिटी या आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं लोग। फिर ये आ गया हाइड्रोफोन, तो हाइड्रोफोन दोस्तों क्या है, हाइड्रो मतलब जल या द्रव से संबंधित है, फोन मतलब होता है ध्वनि से संबंधित है, फोन मतलब ध्वनि से दोस्तों, जल फोन यानी जल के अंदर ध्वनि की माप करने के लिए, जल के अंदर पानी के अंदर ध्वनि मापने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपका था यंत्रों का पहला वीडियो था जिसमें केवल 15 में आपको दे रहा हूँ, और स्टार्टिंग के जो दो मैंने दोस्तों है वो एनिमेशन के द्वारा दिए हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको उस एनिमेशन के द्वारा वीडियो चाहिए इस तरीके से, तो मैं उसी प्रकार से आपको इसका पार्ट टू प्रोवाइड कराऊंगा। ये चार पार्ट में दोस्तों पूरा कंप्लीट होंगे क्योंकि लगभग 70 से 80 तक आपके ऐसे यंत्र हैं, और पक्का दोस्तों आपको एक या दो यंत्र आपको मिलते हैं, और मोस्टली शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान की शाखाओं की, ये दोस्तों हम ये सीरीज अलग तरीके से चला रहे हैं, और जो हमारी जनरल साइंस में फिजिक्स की सीरीज है वो अलग चल रही है, क्योंकि मेरा पूरा लक्ष्य है कि कैसे भी करके आपका आरआरबी एनटीपीसी जी या ग्रुप डी, इन तीनों में से किसी न किसी एक एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, लाहौर में वैकेंसी है, तो इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।